सलमान खान इस वक्त अपनी निजी जिंदगी में पुरान एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफस्टाइल को। 54 साल की उम्र में सलमान खान को ऐसा पहली बार मौका मिला है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ महीनों महीनों तक वक्त गुजारे। लेकिन सलमान खान इस वक्त का जमकर फायदा उठाते नजर आए। कभी खेती करते सलमान को फार्म हाउस में देखा गया तो कभी अपनी रूमर गर्लफ्रेंड यूलिया मंतूर के साथ झाड़ू लेकर सफाई करते देखा गया। इंस्पिरेशन युवा पीढ़ी के लिए सलमान तो बने, लेकिन सलमान खान की जिंदगी का कड़वा सच ये है कि सलमान खान को कोर्ट कचहरी के चक्कर अपने कुछ गलतियों की वजह से ऐसे काटने पड़े हैं कि आज भी लोग ये नहीं बोल पाए हैं। फुटपाथ वाले केस की बात की जाए या फिर जोधपुर में ब्लैक बक वाले केस की बात की जाए, इन सब को लेकर अब भी सलमान नाराजगी का सामना करते हैं। और इन सब के बीच चुप्पी सलमान का सुशांत सिंह राजपूत मामले में लोगों को और भी ज्यादा अपसेट कर रहा है। अब तक तो आपने सुना #boycottSalman खूब ट्रेंड कर रहा था। अब तक आपने सुना कि सलमान के शो बिग बॉस सीजन 14 को लेकर हर एक ने नाराजगी जाहिर की है। जो सलमान खान को लेकर सुशांत से जोड़कर देखते हैं कि सलमान ने कोई भी मदद नहीं की और ना ही सलमान खान को सुशांत सिंह राजपूत पसंद थे। लेकिन इन सब के बीच नया एक मामला सामने आया है, क्योंकि गिरफ्तारी का यह सिलसिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम बड़े ही तेजी से एक्शन ले रही है और एक और नया शख्स हो गया है गिरफ्तार जो सलमान की बढ़ा रहा है मुसीबतें। वेल, ये कैसे पॉसिबल हो चुका है और ये वाकई में क्यों कोर्ट तक सलमान खान को ला सकता है, क्यों इस तरह की खबरें आ रही है, सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो फिर इंतजार किस बात का, आइए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट नाइन न्यूज के स्पेशल शो के स्पेशल एपिसोड में, जहां इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे नया मामला सुशांत प्रिया केस में क्या सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। सुपरस्टार सलमान खान, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब सुपरस्टार सलमान खान भी आ गए हैं निशाने पर। उन 25 सितारों के बीच शक के घेरे में है सलमान खान का भी नाम, जो कि अब तक सारे राज सबसे छुपा कर बैठे हुए थे। आखिर क्यों सुपरस्टार सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने के बाद एक शब्द नहीं कहा सीबीआई जांच को लेकर? क्यों आखिर कंगना रनौत के सपोर्ट में खड़े नहीं हुए सलमान खान? क्यों आखिर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सामने आई रिया चक्रवर्ती एक मुख्य आरोपी के तौर पर तो सलमान ने तब भी कुछ नहीं कहा जब वो ट्रॉल हुए? क्या एक सुपरस्टार सलमान खान करते हैं इग्नोर फैंस और क्रिटिसिज्म्स को? क्या फैंस के अलावा नेटिजन्स की उन्हें परवाह नहीं? सुशांत के चाहने वाले कंगना रनौत का स्टेटमेंट बॉलीवुड इंडस्ट्री में पायल रोहतगी का सलमान के खिलाफ बयानबाजी करना सुशांत मामले में, और तो और करण जौहर का जलील होना और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री का जलील होना, जया बच्चन का बॉलीवुड के पक्ष में कहना, सोनम से लेकर स्वरा भास्कर रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में इन सब का सामने आना, इतने के बावजूद सलमान क्यों चुप है? आपको बता दें एक नया शख्स हो गया है सुशांत केस में गिरफ्तार। रिया चक्रवर्ती जो जेल के अंदर चीख कर कहती रही कि जेल से निकालो जमानत दो, उस रिया ने फंसाया है कई सेलिब्रिटीज को। रिया के अंदर जाने के बाद रिया के फोन कॉल, रिया के फोन लैपटॉप से कई लोगों के नाम सामने आए। और अब एक और नया पैडलर है जिसका डायरेक्ट सुशांत केस में रिया सुशांत के साथ बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार के साथ लिंक बताया जा रहा है। वल, हम बात कर रहे हैं राहिल विश्रम के बारे में, जिसे कर लिया गया है गिरफ्तार। एनसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया है इस चश्मदीद को, जो कि पैडलर है, जो कि कई लोगों से मुलाकात कर चुका है। अब नया सवाल ये है, क्या राहिल विश्राम जो नया पैडलर पकड़ा गया है इल्लीगल तरीके से नारकोटिक सब्सटेंस के सप्लाई मामले में बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उस राहिल का सलमान से संपर्क था? क्योंकि ये बात सच सामने आई है कि सलमान खान की अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा की बहुत करीबी दोस्त रही हैं रेहा चक्रवर्ती, और ऐसे में रेहा चक्रवर्ती का नाम जब सामने आया सुशांत मामले में, जब वो भाई खला जेल में कैद हुई, उनके भाई और सुशांत के स्टाफ मेंबर जब गिरफ्तार हुए, जब जेल में उन्होंने कबूल किया कि हाँ वो सप्लाई किया करते थे, तो उन्होंने 25 लोगों के नाम सामने लाए हैं। इसी कारण से वो सेलिब्रिटीज़ मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते हैं कहा जा रहा है, जो इस वक्त सुशांत मामले में निशाने पर हैं। अक्सर ही बच्चन परिवार, खान परिवार को निशाने पर लाते देखा गया है।
अक्षय कुमार, शाहरुख खान, बच्चन परिवार में अमिताभ, जया, ऐश्वर्या, अभिषेक से लेकर अब तक ट्रोल हो चुके हैं सबसे ज्यादा सलमान खान। लेकिन फिर भी सलमान खान पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या इसके पीछे कारण सलमान खान की चुप्पी सच है कि वो जानते हैं कुछ? क्योंकि सलमान खान को संजय दत्त के साथ कई बार स्पॉट किया जाता रहा नशीली पदार्थ का सेवन करते हुए। और तो और सलमान खान जो अपने ही जोधपुर में हुए ब्लैक बक मामले में फंसे और जेल के चक्कर काट चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है कई बार, जो जेल के अंदर रात गुजार चुके हैं, वो सलमान खान क्या इसी वजह से चुप है क्योंकि मीडिया ट्रायल उनके खिलाफ कभी नहीं हुआ? क्योंकि रिया का जिस तरह से मीडिया ट्रायल हुआ, सलमान खान को लेकर हमदर्दी जताया था मीडिया ने, यहाँ तक कि सलमान खान से पहले संजय दत्त जब जेल में सालों सजा काटते रहे, जब उनका अपराध साबित हो चुका था, तब भी मीडिया ट्रायल नहीं किया था उन्हें लेकर। तो सलमान खान का चुप रहना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि सलमान के बारे में जानने के बावजूद मीडिया इस वक्त सुपरस्टार सलमान से पंगा नहीं लेना चाहती है। अब हिरासत में राहिल विश्राम तो है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम तरह के लोगों से मिलता रहा है, जिसका नाम सामने आने के बाद इस वक्त सवालों के घेरे में बड़े सुपरस्टार्स हैं। अमिताभ बच्चन भी चुप हैं, लेकिन अमिताभ तो ट्रॉल होते ही आ रहे हैं जया बच्चन के बॉलीवुड के सपोर्ट में बोलने के बाद। लेकिन सलमान के परिवार से एक शब्द ना सामने आना, ना तो अरबाज, ना तो सोहेल, ना सलमान, ना सलीम खान, ना तो अर्पिता, ना तो आयुष शर्मा, इन सब का चुप रहना करता है इशारा कि बॉलीवुड में इनकी पार्टीज में कई बड़े सेलिब्रिटीज शामिल होते थे और इनकी पार्टीज प्राइवेट पार्टीज में लिक्विड तो ज़रूर होता था, लेकिन क्या गैर कानूनी तरीके से नशीले पदार्थ का सेवन ये भी करते थे? क्योंकि एक बार नहीं, दो बार सलमान खान को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े थे, लेकिन सलमान खान फिर भी चुप हैं। तो क्या इसके पीछे कारण कुछ और है? अब इस सवाल का जवाब तो भला सलमान खान ही दे सकते हैं। वैसे सलमान खान के ट्विटर पर आप जाएंगे तो ट्विटर पर जो उनका अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसमें उनके हर पोस्ट के नीचे आप कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वाकई में सलमान खान को लेकर सुशांत के फैंस का गुस्सा कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। ये आपको अच्छी तरह से वो देखने के बाद पता चल जाएगा। नेशनल न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आपको मिल गया होगा जवाब, सलमान खान से जुड़ा क्यों है ये कनेक्शन। 25 बॉलीवुड सितारों का नाम भले ही रिवील ना किया गया हो, लेकिन एनसीबी 180 डेज के बाद उन सभी नामों को रिवील करेगी जब ठोस सबूत उनके हाथ लगेंगे। लेकिन ये जो गवाही और चश्मदीद की गिरफ्तारी लगातार तेजी से बढ़ रही है, अब राहिल विश्राम की गिरफ्तारी के बाद सलमान खान का उनके साथ कनेक्शन है भी या नहीं, ये तो उनके स्टेटमेंट के बाद पता चल जाएगा, कबूलनामे के बाद पता चल जाएगा। लेकिन रिया एक के बाद एक जो खुलासे कर चुकी है, इसके कारण कहीं ना कहीं सवालों से सलमान घिरे हैं अपनी बहन अर्पिता और रिया की फ्रेंडशिप की वजह से सवालों से सलमान घिरे हैं। फिलहाल लेंगे बॉलीवुड की इस खबर के साथ हमारे इस प्रोग्राम का द एंड करते हुए आपसे इजाजत। अगली बार लौटेंगे फिर बॉलीवुड की तमाम ट्रेंडी लेटेस्ट हॉट एंड स्पाइसी खबरें लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।